एक करोड़ 71 लाख 25,000 200 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ रूस रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 14 करोड़ 46 लाख आबादी पर मुश्तमिल रूस आबादी के लिहाज से दुनिया का नवा बड़ा मुल्क है। रूस दुनिया का वो पांचवा मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों प्रयाजमों में वाकया है। रूस के अलावा सबका सोवियत यूनियन रियासतें काजिकिस्तान आजरबाईजान जॉर्जिया और तुर्की दोनों प्रयाजमों में वाकया ममालिक है। रूस की आबादी का ज्यादातर हिस्सा यूरोप में आबाद है। मुल्क की आबादी का 70% यूरोप में आबाद है जबकि आबादी का सिर्फ 23% हिस्सा एशिया में आबाद है। रूस के दारुलहुकूमत मास्को का शुमार दुनिया के बड़े शहरों में होते हैं। रूस के दूसरे शहरों में सेंट पीटर्सबर्ग नोवोसिब्रिस्क उफा और रूस की तरह नॉर्वे फिनलैंड चाइना एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया पोलैंड बेलारूस यूक्रेन जॉर्जिया आजरबाईजान काजिकिस्तान मंगोलिया और कोरिया के साथ मिलती है। रूस की समंदरी हदूद जापान और अमेरिका की रियासत अलास्का के साथ मिलती है। अमेरिका और रूस के दरमियान बेरिंग सी वाकया है। रूस शुमाली एशिया के काफ़ी सारे हिस्से और मगरबी यूरोप में फैला हुआ है। रूस की करेंसी रशियन रबल है। एक रशियन रबल पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर है। रूस का कॉलिंग कोड +7 है। रूस के कुल 9 टाइम जोन हैं। रूस की बाबादा जबान रशियन है। रूस का सबसे बड़ा मजहब ईसाई है। रूस की आबादी का 75% ईसाई है जबकि 5% मुसलमान 8% लोगों का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं और 12% लोग मुख्तलिफ मदायत से ताल्लुक रखते हैं। रूस की तारीख हजारों साल पुरानी है। हजारों साल पहले मौजूदा यूक्रेन और रूस में मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। 8वीं सदी कबल मसीह में कदीम रोमन ताजरों ने इस खत्ते का रुख किया और यहाँ पर रोमन तहजीब लेकर आए। जदीद रशिया की बुनियाद स्लाविक कबाइल ने रखी। पहली स्लाविक सल्तनत की बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी में रखी गई। 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी में कीव सल्तनत यूरोप की सबसे बड़ी सल्तनत हुआ करती थी। कीव इस वक्त यूक्रेन का दारुलहुकूमत और सबसे बड़ा शहर। 980 ईस्वी से 1054 ईस्वी तक व्लादिमीर द ग्रेट और उसके बेटे यरूशलेम द वाइस की बादशाह के जमाने को कीव सल्तनत का गोल्डन एज एरा कहा जाता है। 11वीं और 12वीं सदी के दौरान तुर्की कबाइल की तरफ से लगातार हमलों की वजह से स्लाविक लोग शुमाल की तरफ जंगलात में नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। 1237 में मंगोलों के हमले के बाद कीव सल्तनत का खात्मा हो गया और कीव सल्तनत के दारुलहुकूमत रस की आधी से ज्यादा आबादी कत्ल कर दी गई। कीवियन रस के खात्मे के बाद इस खत्ते में ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को सबसे मजबूत सल्तनत बनकर उभरी। ये रियासत मंगोल टाटर के ज़ेर-ए-असर थी। 1380 में यूनाइटेड आर्मी ऑफ रशिया ने मॉस्को की सल्तनत पर हमला करके मंगोल टाटर सल्तनत का खात्मा कर दिया। 1721 में रूस पीटर दी ग्रेट की बादशाही में दुनिया की एक ताकत बनकर उभरा। पीटर 1682 से 1785 तक रशिया का बादशाह रहा। बाल्टिक सी के साथ पीटर ने एक नया शहर सेंट पीटर्सबर्ग आबाद करके इस शहर को रूस का दारुलहुकूमत बनाया। 19वीं सदी में रूस की सल्तनत जॉर्जिया दागिस्तान आजरबाईजान और आर्मीनिया तक फैल चुकी थी। 18वीं सदी के दूसरे अशरे में रूस ने नेपोलियन के खिलाफ मुख्तलिफ ज्योतिर्मय ममालिक के साथ मिलकर जंगें लड़ी। फ्रांसीसियों ने नेपोलियन की क्यादत में रशिया के एक बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर लिया और फ्रांसीसी मॉस्को तक पहुंच गए। लेकिन रशिया में शदीद सर्दी की वजह से अचानक फ्रांसीसी फौजों के कदम लड़खड़ा गए और फ्रांसीसी फौजें घुटने टेकने पर मजबूर हो गईं। 1914 में हंगरी और ऑस्ट्रिया की तरफ से रूस की इतादी सर्बिया पर हमले के बाद रूस जंगे अधीन अव्वल में शामिल हो गया। 1916 में रूस की फौजों ने ऑस्ट्रिया और हंगरी की अफवाज का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया। अब बात करते हैं इनकलाब रशिया की। रूसी इनकलाब का आगाज जंगे अधीन अव्वल के दौरान ही हो गया था। रशियन इनकलाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा फरवरी 2017 और दूसरा हिस्सा अक्टूबर 2017। उस वक्त रूस का बादशाह निकोलस II था और इस जमाने में रूस की इकोनॉमी का ज्यादातर इंतजार ज़राअत पर था। हुकूमत में जितनी बड़ी शख्सियात शामिल थी उनका ताल्लुक अमीर खानदानों से था। मुल्क में इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। अगर कुछ इंडस्ट्रीज थी भी तो वो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक महदूद थी। इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों की बहुत बुरी हालत थी। इनको काम की सही उजरत नहीं मिलती। इससे पहले 18वीं और 19वीं सदी में इनकलाब अमेरिका और इनकलाब फ्रांस आ चुके थे। रशिया के लोग इन दोनों इनकलाब के बारे में सुन चुके थे। 1894 में रूस के नए बादशाह निकोलस II बने और ये भी पिछले बादशाहों की तरह नाअहल थे। 1904 और 1905 के दौरान रशिया और जापान के दरमियान मंचूरिया और कोरिया के तनाजे पर जंगें हुईं। इन जंगों में रूस को बुरी तरह शिकस्त हुई।
और रूस की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। 1905 में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी और वो लोग एहतजाज करने लगे और रशिया के बादशाह ने इन लोगों के मुतालबात सुनने की बजाय इन मजदूरों पर गोली चलवा दी, जिससे काफी सारे मजदूर मर गए। इसके नतीजे में पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया, लेकिन दार ने कुछ इस्लाह करके इस एहतजाज पर काबू पा लिया। वर्ल्ड वार वन के दौरान रूस के 20 लाख सिपाही और 80 लाख के करीब सिविलियन लोग मारे गए। ये टोटल तादाद 1 करोड़ के लगभग थी। रूस की इकोनॉमी बहुत बुरी होने की वजह से लोगों के पास खाने को कुछ न था और सेंट पीटर्सबर्ग में आबाद लोगों के सबसे ज्यादा बुरे हालात थे। फरवरी 2017 में 50,000 के करीब सेंट पीटर्सबर्ग में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल की और बादशाह पर दबाव डाला के वो बादशाह छोड़ दे। इस तरह पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया। आखिरकार बादशाह ने मजबूर होकर बादशाह छोड़ दी। इस तरह 300 साल पुरानी निकोलस बादशाह सिलसिले का खात्मा हो गया और एक नया वजीर आजम बनाकर उसे जमहूरियत का नाम दे दिया गया। इसी असना में 1988 में कायम होने वाली रूस की पार्टी ने हुकूमत पर दबाव डाला के वर्ल्ड वार वन से पीछे हट जाए, लेकिन हुकूमत नहीं मानी और तमाम बोल्शेविक रहनुमाओं को कैद कर लिया गया। अगस्त 1917 में रशियन फौज ने हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तदार पर कब्जा करने की कोशिश की तो हुकूमत ने बोल्शेविक रहनुमाओं से मदद मांग ली, क्योंकि बोल्शेविक के पास अपनी प्राइवेट फौज थी जिसको रेड गार्ड बोला जाता है। रेड गार्ड ने आर्मी को इख्तदार पर कब्जा करने से रोक लिया। इसी अरसे में बोल्शेविक पार्टी के लीडर, जिनको मुल्क से निकाल दिया गया था, मुल्क वापस आ गए। 24-25 अक्टूबर 1917 लेनिन ने रेड गार्ड को हुक्म दिया कि वो तमाम सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा कर ले। रेड गार्ड ने तमाम सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया और हुकूमत का खात्मा हो गया। नवंबर 1917 मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। ये खाना जंगी रेड गार्ड और व्हाइट गार्ड के दरमियान हुई थी। व्हाइट गार्ड वो लोग थे जो के बादशाह के हामी थे और वो बादशाह को दोबारा इख्तदार पर देखना चाहते थे। रेड गार्ड व्हाइट गार्ड को शिकस्त देने में कामयाब हो गए और बोल्शेविक इख्तदार में आ गए। 1922 में USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की बुनियाद रखी गई और बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें USSR में शामिल हो गईं। USSR में 15 के करीब मुख्तलिफ रियासतें शामिल थी। ये तारीख में पहली दफा था कि कम्युनिज्म को बाकायदा तौर पर एक हैसियत मिली। इससे पहले कम्युनिज्म सिर्फ किताबी बात थी। इसके बाद कई ममालिक ने कम्युनिज्म को अपनाया, इनमें चीन, शुमाली कोरिया, क्यूबा, वियतनाम और लाओस शामिल हैं। 1941 में जंगे अजीम दौर के दौरान नाजी जर्मनी ने USSR पर हमला कर दिया। जंग के आगाज में जर्मन आर्मी को बड़ी कामयाबियां मिली, लेकिन बाद में जर्मनी ये जंग हार गया। मई 1945 में सोवियत यूनियन की अफवाज जर्मनी बर्लिन में दाखिल हो गई। इस जंग में सोवियत यूनियन की 1 करोड़ से ज्यादा फौजियों की तादाद मारी गई और 1.5 मिलियन के करीब सिविलियन इस जंग में मारे गए। जंगे अजीम दौर के दौरान पूरी दुनिया की आबादी का तकरीबन तीसरा हिस्सा खत्म हो गया। जंग के खात्मे पर सोवियत यूनियन यूरोप के मशरकी हिस्से, वस्ती यूरोप, मशरकी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से पर काबिज हो चुका था। 1950 और 60 की दहाई का अर्सा अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जमहूरियत और कम्युनिज्म की वजह से होने वाली कश्मकश कोल्ड वार के नाम से जानी जाती है। इस दौर में रूस और अमेरिका ने खलाई टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली कि इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम भी रख दिया। 1979 में सोवियत यूनियन अपनी ताकत के नशे में इतना धुत हो चुका था कि इसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन इस जंग का आगाज करने से रशिया के साथ वो कुछ हुआ जो कभी उसने सोचा तक ना था। सोवियत अफगान जंग तकरीबन 10 साल तक जारी रही। इस जंग में सोवियत यूनियन ने बेपनाह माली और फौजी नुकसान बर्दाश्त किया। अफगानी गयूर अवाम ने गोरिल्ला वार के जरिए सोवियत यूनियन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार 1989 में सोवियत यूनियन ने अपनी अफवाज अफगानिस्तान से निकाल ली। अफगान वार ने सोवियत यूनियन की इकोनॉमी पर इतने बुरे असरात छोड़े कि बहुत सारी सोवियत रियासतों ने आजादी का मुतालबा कर दिया। अवाम सड़कों पर निकल आए। रशियन रेड आर्मी ने भी इस अमल में कोई मुदाखलत नहीं की। जुलाई 1991 में बोरिस येल्सन रशिया के सदर मुंतखब हुए और 8 दिसंबर 1991 को रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, जो के सोवियत यूनियन की 3 बड़ी रियासतें थी, इन्होंने USSR के खात्मे का ऐलान कर दिया। 26 दिसंबर 1991 को बाकायदा तौर पर USSR का खात्मा हो गया और तमाम 15 USSR रियासतें अलहदा हो गयी और कम्युनिस्ट निजाम खत्म करके जमहूरी निजाम राइज कर दिया गया। रशिया में कुल 40 नेशनल पार्क और 100 वाइल्ड लाइफ के करीब जंगली हयातियात के तहफ़ की आबादगाहें हैं। माउंट एलरबूस रूस की सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी सतह समंदर से 18,510 फुट बुलंद है। रूस में वाक़ा वोल्गा रिवर यूरोप का सबसे लंबा दरिया है। इस दरिया की लंबाई 3,690 किलोमीटर है। रूस में वाक़ा
उरल पहाड़ी सिलसिला दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ी सिलसिला है। रूस में वाक़या बकाल झील दुनिया में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये झील 5,387 फुट गहरी है। इस झील में दुनिया का 20% ताज़ा पानी मौजूद है। ये झील जनूबी साइबेरिया में वाक़या है। बकाल झील 25 से 30 मिलियन साल पुरानी है। बकाल झील दुनिया की 7वीं बड़ी झील है। ये झील 31,722 मर्ब किलोमीटर पर फैली हुई है। रूस में 70,62,602 मर्ब किलोमीटर पर जंगलात पाए जाते हैं, जो कि मुल्क के कुल रकबे का 45% बनता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा जंगलात भी इस मुल्क में पाए जाते हैं। रूस के जंगलात का रकबा पूरे बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के रकबे के बराबर है। दुनिया की सबसे बड़ी दलदल वेसी यूगेंस्को रूस में वाक़ है। ये दलदल शुमारी हेमस्फीयर के इलाके में वाक़ है। ये दलदल 53,000 मर्ब किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। रूस में बहुत सारी कुदरती मादनियात पाई जाती हैं। रूस दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बरामद करने वाला मुल्क है। रूस 10.83 मिलियन बैरल खाम तेल रोजाना की बुनियाद पर पैदा करते हैं। 2015 में दुनिया के खाम तेल का 12% रूस ने पैदा किया। सोवियत यूनियन के जमाने में रूस रोजाना 9.7 मिलियन बैरल खाम तेल बरामद करता था। रशियन स्टेट लाइब्रेरी यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और पूरी दुनिया में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर बड़ी लाइब्रेरी है। सूरजमुखी का फूल रूस का कौमी फूल है। रशिया की औरतों की तादाद मर्दों से 9 मिलियन ज्यादा है। 1908 ओलंपिक गेम्स में रशिया की टीम 12 दिन लेट पहुंची क्योंकि रशिया अभी तक जॉर्जियन कैलेंडर इस्तेमाल करता है। एक आम रशियन दिन में 18 लीटर से ज्यादा शराब पी जाता है। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में 70 ऐसे अपराध आबाद हैं जो कि बिलियनियर हैं। मास्को दुनिया का पहले नंबर पर शहर है जिसमें सबसे ज्यादा अमीर लोग आबाद हैं। रूस में 17 मिलियन के करीब अपराध गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रूस की आबादी के 12% से ज्यादा लोगों की माना $220 से कम आमदनी है। रूस में वाकया साइबेरिया का मकाम दुनिया का ठंडा तरीन मकाम है, जहाँ पर सबसे कम दर्जा हरारत -160 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। रशिया में HIV एड्स इस वक्त एक वबाई मर्ज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। 2012 में 7 लाख के करीब रूसी लोग एड्स का शिकार हुए। रूस में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अमवात एड्स की वजह से हो रही है। रूस की आबादी का 25% लोग 55 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। इनमें ज्यादातर अमवात शराब पीने की वजह से होती हैं। रूस में मर्दों की औसत उम्र 64 साल जबकि औरतों की औसत उम्र 74 साल है। रूस के पास इस वक्त 8,400 के करीब एटमी हथियार हैं, जिनकी तादाद दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा है। इस वक्त रूस का शुमार दुनिया में दूसरे नंबर पर रवायती हथियार बरामद करने वाले ममालिक में होता है। इनमें टैंक और जेट हथियारें शामिल हैं। 2013 के एक अंदाजे के मुताबिक रूस के दारुल हुकूमत मास्को में ट्रैफिक निजाम दुनिया का सबसे बदतरीन ट्रैफिक निजाम है। ट्रैफिक के इस गंदे निजाम से बचने के लिए मास्को के अमीर अफराद ज्यादातर एम्बुलेंस में सफर करते हैं। व्लादिमीर पुतिन 3 दफा रूस के सदर और 1 दफा वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। रूस में वाकया कार्की झील दुनिया में सबसे गर्द आलूद मकाम है। ये झील रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर के करीब वाकया है। नए साल का त्यौहार रूस का सबसे बड़ा त्यौहार है। क्रिसमस डे का त्यौहार 25 से 7 जनवरी तक मनाया जाता है। रूस ना ही यूरोपीय यूनियन और ना ही नेटो का मेंबर मुल्क है। रूस को 2 हिस्सों यूरोप और एशिया में उरल माउंटेन्स तकसीम करती हैं। रूस रकबे के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क है कि प्लूटो सियारा भी रूस से छोटा है। रूस और अमरीका के दरमियान बाल्टिक सी वाकया है। अमरीका की रियासत अलास्का 1867 तक रूस का हिस्सा थी। अमरीका ने अलास्का को 1867 में रूस से 7.2 मिलियन डॉलर के इर्द खरीदा और उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम थी। अलास्का खरीदने के काफी अर्से तक अमेरिका ने इस इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं की। 3 दहाइयों के बाद 1886 में अलास्का से यूकॉन गोल्ड माइन मिली और अलास्का एक माइनिंग इंडस्ट्री बन गया। इसके बाद अलास्का को अमेरिका की एक रियासत भी बनाया गया। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इसी अलास्का के इलाके की वजह से अमेरिका ने जापान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अलास्का का इलाका बेच देने की वजह से रशिया वार्म पोर्ट्स से महरूम हो गया। इस वक्त दुनिया की जितनी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके पास ज्यादातर वार्म पोर्ट्स हैं, जबकि रशिया के पास ज्यादातर कोल्ड पोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो रूस के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।